स्टूडेंट, आज आपके सामने हम प्रीपोजिशन इन का यूज करके बताएंगे। इन आपको बहुत जगह यूजेस करने में प्रॉब्लम होती है, बट आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एक बात याद रखना कि प्रीपोजिशन जो होते हैं, बहुत प्रीपोजिशन होते हैं। प्रीपोजिशन में अगर आप पढ़ने लगेंगे तो मान के चलिए कि आप उब जाएंगे, लेकिन प्रीपोजिशन के बिना आप काम भी नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि पता है कि किसी का पोजिशन बताना हो तो उसमें तो प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। मतलब प्रीपोजिशन मतलब तो आप समझ सकते हो, प्री मतलब पहले, पोजिशन किसी पोजिशन को बताना हो तो उसके पहले जो लगाया जाएगा दैट्स प्रीपोजिशन। तो यहां पर हम बताने वाले हैं प्रीपोजिशन इन के बारे में, इनका आपका यूज कहां कहां पर होता है, किन किन जगहों पर। तो यहां पर कुछ रूल लिखेंगे भी हम, और उसके साथ साथ यहां पर हम बताते भी चलेंगे। तो यहां पर हम सारा रूल लिख देते हैं कि कहां कहां पर यूज होगा, जैसे कि ये यूज कहां कहां पर होने वाला है वो मैं लिख देता हूं। तो कहां पर प्रयोग करें, ठीक, ये चीज यहां पर लिखना है। तो कहां पर प्रयोग करना है, सबसे पहले अगर हम देखते हैं, जैसे कि आपके लिए कोई गांव हो, सबसे पहले छोटे पे चलते हैं, सबसे पहले कोई बड़ा गांव हो, कामा शहर हो, कामा कस्बा हो, कामा आपका कोई देश हो, कामा कोई महाद्वीप हो, या महाद्वीप, इनके नाम के आगे आपका यूज होगा। फर्स्ट ये आपका हो गया, ओके। तो यहां पर आपका यूज होने वाला है, सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, महीना, उसके बाद आपका आ जाएगा महीना क्या, सप्ताह पहले मैंने लिखा ही नहीं, ठीक। यहां पर सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सप्ताह। तो सबसे पहले हम सप्ताह लिखेंगे, सप्ताह के बाद मैंने बोला महीना, महीना के बाद आपका जैसे कि वर्ष, वर्ष के बाद मान लीजिए आपका कोई महीने में आपका वर्ष हो गया, शताब्दी हो गया, शताब्दी ये आपका मौसम हो गया, मौसम बदलता है बोलते हैं सब लोग, उसी मौसम। किसी बड़े गांव के शहर में, कोई बड़ा गांव हो, कोई शहर हो, कोई किस प्रकार की कोई भी चीज हो, वहां पर आपको यूज करना हो, तब आपको उनके नाम के पहले, जैसे अगर आपको एक गांव हो, मान लीजिए कि जैसे रामपुर है, कोई गांव है वहाँ हो गया, कोई कस्बा है वहाँ भी हो गया, कोई सिटी शहर आपको पता है कि शहर आपका जैसे लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, कोई भी सिटी हो उसमें लगा दो उसके पहले, कोई आपका कस्बा हो, कोई देश हो या कोई महाद्वीप हो, इन सब के पहले आपको लगाना है क्या, इन का यूज करना है, इन सबके आगे आपका इनका यूज। जैसे मैं लिखूं यहाँ पर क्या, वी लिव इन इंडिया, वी लिव इन इंडिया, ठीक है। तो आप खुद बताइए इंडिया क्या है, एक देश है, और मैं यहां पर देश के पहले मैंने यूज कर लिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको समझना है, यहां पर इन सब के पहले आपको यूज करना है, ओके, बात को समझ गए ना। और इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि जैसे कि देश टे दे स्टे, आपका स्टेड कर दो इन किसी, मान लीजिए मैं लिख दू जैसे जौनपुर लिख दो, जौनपुर, ठीक है, कहां जौनपुर, कब फॉर ए वीक फुल स्टॉप। तो इस तरीके से ये चीजें होंगी। अब यहां पर देखो, मैंने जौनपुर के पहले लगा दिए, यहां पर मैं जयपुर लिख, यहां पर मैं कोई मैं महाद्वीप का नाम भी लिख सकता, मतलब हमें पता है कि इन सबके पहले आपको लगाना है, कोई भी हो, पता हो गया ना आपको कि आपका कोई सिटी हो, कोई शहर हो, कोई गांव हो, कोई कस्बा हो, या आपका कोई कंट्री हो, या कोई आपका महाद्वीप हो, तो सभी के पहले आपको इनका यूजेज कर देना है। इनको आपको अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि इन जो है थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए इनको आपको अच्छी तरीके से देखना है। उसके बाद आ जाता है सप्ताह, महीना, शताब्दी, वर्ष, सप्ताह, महीना, शताब्दी, वर्ष। तो इनमें अगर हम यूज करना चाहें, जैसे कि पता है कि अब सप्ताह तो आप समझते हैं, सप्ताह मतलब वीक, मतलब हफ्ता जिसको बोलते हैं, संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, इस तरीके से होते हैं, 21वें होते हैं सप्ताह में, तो आप सप्ताह में इसका यूजेज कर सकते हैं, ठीक है, सप्ताह में।
आपका कोई महीना आ गया उसमें यूजेज कर सकते हैं, आपका कोई वर्ष आ गया उसमें यूजेज कर सकते हैं, जैसे कि आपका इन द मंथ, इन ए वीक, या आपका इसमें शताब्दी, इन सेंचुरी, इन मौसम कोई आ गया, तो इस तरीके से उनके सबके पहले आपको यूज करना है, ठीक है? आप समझ गए ना, इन द मंथ, इन द ईयर, इन द वीक, इन द विंटर्स, इन द समर, तो इस तरीके से यूज करता है, इन द समर नहीं, इन विंटर्स, उसके अवेले द का यूज नहीं करना है, ये चीजें देखना है, वो द का खेला है उसको आपको बाद में, तो इन सबके पहले आपको यूज करना है, ठीक है? तो आपको पता चल गया इन सब चीजों से कि आपको कहाँ कहाँ कब कब क्या यूज करना है, ठीक है? और कभी कभी क्या होता है इसमें, जैसे आपका कोई वर्ष आ गया डायरेक्ट आपका इन 1920, इन 2021, या आपका कोई इसके बाद आपका ये वर्ष हो गया, वर्ष के बाद आपका कोई मंथ आ गया इन दिसंबर, इन फरवरी, इन मार्च, कुछ इस तरीके से हो गया इनमें आपका। और इसमें एक और भी आ जाता है, जैसे आपका कोई दिन हो, कोई आपका मतलब सुबह शाम हो, इन मॉर्निंग, ये चीज इन मॉर्निंग में भी यूज होता है, सुबह में भी और उसके बाद शाम में भी, सुबह में भी शाम में भी, यहाँ सुबह और शाम भी लिख देते हैं, सुबह और शाम इसमें भी यूज होगा, ठीक है? याद रखना, क्योंकि इसको मैंने छोड़ दिया था, इन सब चीजों में आपका यूज होगा, ठीक है? इन सब चीजों में आपका यूज होगा। तो सबसे पहले मैं कोई भी यूज करके रखूं, जैसे उनमें से पहले मैं यूज करूं कौन सा, आई वाज, ग्रेजुएटेड, आई वाज ग्रेजुएटेड, कब ग्रेजुएटेड किया, कोई सन में दे देता हूं, इन 2022, फुल स्टॉप, कि मैंने 2022 में स्नातक किया, ठीक है? या स्नातक किया था, या स्नातक, समझ सकते हैं ना? तो यहां पर ये जो सन लिखा हुआ है, देखिए इन 2022, तो ये आपका यहां पर हो गया, मतलब यहां पर मैंने लिखा था वर्ष, तो वर्ष के पहले आपका हो गया यहां पर, ठीक है? इसी तरीके से आप कोई भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहां पर ही विल रिटर्न कब, इन दिस वीक, इन दिस वीक, ठीक, मतलब वह इस सप्ताह वापस आ जाएगा, वापस लौट आएगा, मतलब वापस होगा जिसको बोलते हैं, रिटर्न माने वापस आना, वापस लौटना, तो वह इन दिस वीक, वीक सप्ताह के पहले लग गया, मतलब यहां पर मैंने दो इसलिए लिखा कि ताकि दो लिख के दिखा दूं, बाकी जितने भी यहां पर यूज होने वाले हैं ये सभी के सभी आपका इसमें से यूज होगा, ठीक है? ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। तो तीसरा जो है हम लिखना चाहें तो तीसरा आपका हो जाता है, जैसे कि नाउन हो या प्रोनाउन हो, नाउन हो या प्रोनाउन हो, ठीक है? किसी अन्य नाउन, अन्य नाउन के अंदर पूरी तरह हो, पूरी तरह हो, ठीक, मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन हो, आपका कोई नाउन या प्रोनाउन किसी नाउन के अंदर पूरी तरीके से पहले हो। अब ये बात यहां पर कंफर्म कैसे होगी कि कोई नाउन या प्रोनाउन, आप कोई कोई बच्चे को दिक्कत होगी कि सर नाउन ही क्लियर नहीं जानते हैं, प्रोनाउन ही नहीं, तो आप मेरी नाउन वाली क्लास देख लीजिएगा, प्रोनाउन वाली क्लास देख लीजिएगा, उसमें समझ जाएंगे। अभी जस्ट इसके पहले तो मैंने नाउन वाली क्लास बनाया हूं पूरी तरीके से कंप्लीटली, आप नाउन पहचान जाएंगे नाउन क्या होता है। तो नाउन आपको समझना है, अच्छे तरीके से समझना है। तो नाउन और प्रोनाउन, नाउन का मतलब होता है किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या कोई भी भावना, कोई भी उनका नाम जो हो जाता है उसी को नाउन बोल देते हैं। अब अगर नाउन ना आए, जैसे अभी मैं अपना नाम लूं, अगर मैं अपना नाम लेता हूं कि जैसे कि संतोष खाता है, मैं इस तरीके नाम बोल दिए, अभी जगह संतोष ना बोल करके उसको नाम ना बोल कर वहां पर कोई बोल रहा, तो मैं खाता हूं,
या वह खाता है। तो जो ये शब्द जो नाम की जगह पर जो शब्द यूज किया जा रहा है कर्ता के रूप में, वो जो होता है प्रोनाउन होता है। मतलब नाउन और प्रोनाउन अगर हो वो किसी पर्सनल एक नाउन के अंदर और हो, किसी नाम के अंदर जरूर हो, ये चीज आपके पास होनी चाहिए समझ में, और कुछ भी नहीं। जैसे कि स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, मतलब स्टूडेंट जो विद्यार्थी है वो क्लास में है, विद्यार्थी जो है वो क्लास में है। अब देखिए विद्यार्थी जो हो गया क्या हो गया, ये आपका नाउन हो गया, और जो क्लास हो गया वो भी क्या है, नाउन है। ठीक है, नाउन नाउन के अंदर है। ठीक, इसी तरीके से अगर हम देखें, मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई नाउन ना लेकर के मैं कोई प्रोनाउन लूं, उस तरीके की चीजें मैं लूं, तब आपके लिए क्या होगा कि जैसे मैं यहां पर लिख दूं ही मैं वैसे लिख रहा हूं। ठीक, तो यहां पर देखिए जैसे कि मैं यहां पर प्रोनाउन का यूज कर रहा हूं, ठीक है, यहां पर तो मैं लिख दिया ही इज इन द होम, मतलब वो वहां घर में है, ऐसे मैंने लिया। देखिए जो पसंद पसंद डायरी यूज होगा वो चीज अलग है, यहां पर कि ही। अब यहां पर इस तरीके से मैं अगर यूज करना चाहता था तो मैं ये भी यूज कर सकता था कि क्लॉथ्स आर इन द अलमीरा, या कोई भी चीज आप यूज कर सकते हैं, बुक्स आप आर इन द लाइब्रेरी, सॉरी आप अलमीरा, उसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं, मतलब आपको समझ में आना चाहिए कोई नाउन जो किसी नाउन के अंदर हो, किसी नाउन के अंदर मतलब किसी भी एक वस्तु या कोई चीज, कोई भी प्रकार की, मतलब कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान या कोई भी भावना, कोई भी स्थित अवस्था हो, सब चीज के अंदर हो। हमें सबसे पहले नाउन प्रोनाउन पढ़ लेना, तो चाहिए ये चीजें समझ में आपके लिए आ जाए। तो अगला हमारा जैसे रूल होता है, चार नंबर रूल में आपका सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो जैसे कि आपका पानी के अंदर कोई वस्तु पहले से हो, पानी के अंदर कोई चीज पहले से हो, कोई चीज हो और वो पानी के अंदर पहले से ही उपस्थित हो, तब आपका ये हो जाता है कि पानी के अंदर कोई भी चीज पहले से ही हो तब कौन। जैसे मैं यहां पर लिखूं चिल्ड्रेन, क्या चिल्ड्रेन आर इन द रिवर, आर इन द रिवर, ठीक है, ये हो गया। जैसे उसके बाद अगर मैं लिखूं यहां पर फ्रॉक्स आर इन द पॉन्ड, ठीक, मतलब यहाँ पर बच्चे जो है नदी में है और जो मेढक है वो जो तालाब में है, मतलब ऐसा पता चल रहा है कि ये जो मतलब मेढक है जो है पहले से ही होगा, अभी करंट में मतलब तत्काल गया नहीं, ये पहले से ही था। चिल्ड्रन ऐसा बोलने पर लग रहा है कि वो चिल्ड्रन जो है पहले से ही वहां था, हमारे जाने के बाद ऐसा नहीं है कि वो तुरंत आया, वो चीज इंटू में कन्वर्ट होगी, लेकिन वो पहले से ही हो, मतलब आप देखें और उसको पहले से आपको कोई चीज पानी में दिखा मिले तब आप इनका यूजेज कर सकते हैं। आप देखें और जस्ट उसको देख रहे हैं तो पानी में पहले से आपके सामने वो पहले से ही पानी में है, तो वो इन यूज करना है, ये चीज आपका अगला हो जाता है। अगर हम पांचवें रूल पर पढ़े तो सबसे पहले अगला हमारा पांचवा, देखिए बहुत सारे हैं, मैं यहाँ पर मेन जितने भी हैं वो सारे यहाँ पर आपके लिए आ जाएंगे ताकि आपके लिए दिक्कत का काम ना हो। ठीक है,
अब आ जाता है कि लेंथ ऑफ टाइम किसके लिए, लेंथ ऑफ टाइम के लिए, लेंथ ऑफ टाइम समझ सकते हैं समय की एक लिमिट हो, एक लंबाई समय की दी जाए कि आपको इतने दिन में ऐसा करना हो, इतने दिन में, इतने महीने में, इतने ऐसे, तब आपका ये लेंथ ऑफ टाइम हो जाता है। क्या हो जाता है ये आपका लेंथ ऑफ टाइम, मतलब कि ये जो है आपका यूज होना है कुछ इस तरीके से कि जैसे तरुण, क्या उसमें बोला कोई समय दे दिया जा रहा है कि तरुण जो है वो तरुण विल बी हियर इन फोर मंथ्स। तरुण जो है बोला जा रहा है कि इसमें तरुण चार महीनों में, बोला जा रहा है कि तरुण जो है चार महीनों में यहां होगा, तरुण जो है चार महीनों में। व्हाट लेंथ ऑफ टाइम दिया जा रहा है, कितने महीने, चार महीने दिया, टाइम का जो लंबाई है, टाइम का जो आपका साइज है उसको पता दिया गया, लेंथ ऑफ टाइम आपको पता दिया कितना, चार महीने, चार महीने पर यहीं पर आपका तरुण होगा, तरुण जो है यहीं पर चार महीने पर यहीं होगा जो बोला गया है। ठीक है, इस तरीके से होता है। अगला आ जाता है डू इट डू इट इन टू डेज, मतलब डू इट मतलब करो इसको कितने दिन में, दो दिन में, दो दिन के अंदर नहीं बोला गया, दो दिन में इसको करो, अंदर की बात बोली ही नहीं गई है, दो दिन में इसको करो, इतने दिन में इसको करो, तब आपका ये जो हमारा जो है छठा नियम, कौन सा नियम, छठवां नियम। तो छठवां नियम तो लगभग आपका ये हो गया है, एकाध तो नियम आपका और बचने वाला है, जैसे कि महीनों के नाम के आगे हो गया, मौसम के आगे भी हो गया, फ्यूचर टेंस में, किसमें, फ्यूचर टेंस में एक होगा आपका फ्यूचर टेंस में, कब फ्यूचर टेंस में आपका यूज होना है, फ्यूचर टेंस में के बाद, क्या के बाद जब आए शब्द, एक ऐसा शब्द होता है के बाद शब्द के अर्थ में इनका यूज, के बाद अर्थ के रूप में, अर्थ के रूप में, मतलब जब फ्यूचर टेंस में इसको हम यूज करेंगे तो इसका अर्थ के बाद होगा, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ आपके लिए के बाद होगा, इनका यूज जो होगा के बाद के रूप में होगा, जैसे क्या कि आई विल कम बैक, आई विल कम बैक इन 2 hours, I will come back in 2 hours, मतलब मैं वापस 2 घंटों में वापस आ जाऊंगा, यहाँ पर फिक्स बता दिया कि 2 घंटों में मैं वापस आ जाऊंगा, इस तरीके से आपका यहाँ पर दिखा दिया गया। उसके बाद जो होता है अगला सातवां, सातवां जो होता आर्ट सब्जेक्ट या किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में मतलब किसी भी एरिया जो होता है फील्ड में एबिलिटी दिखाना हो, स्किल दिखाना हो और
स्पेशलिटी दिखाना हो, स्पेशलिटी दिखाना हो तब लगेगा, ठीक है। सातवां आपका ये हो जाता है, मतलब कोई आर्ट हो, कोई कला हो, कोई किसी कला में वो आगे हो, एकदम स्पेशलिस्ट हो, सब्जेक्ट में कोई स्पेशलिस्ट हो, किसी भी प्रकार की फील्ड में वो अपने आप में क्या हो, एबिलिटी उसका अगर दिखाया जा रहा है, कोई इतना वो है, उसका स्किल दिखाया जा रहा है, उसका मतलब गुण जो है वो पूरा दिखाया जा रहा है, उसके बाद उसका स्पेशल बताया जा रहा है, किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो आर्ट में हो, उसकी सब्जेक्ट किसी भी फील्ड में हो, तब यूज करेंगे इसका हम, इसका इनका यूज करने वाले हैं, ठीक है। जैसे देखिए, सचिन इज वेल वर्स्ड, सॉरी एक दो टाइप का आर होता है, मैं बार बार वो वाला ले लेता हूं, वर्स्ड कप इन क्रिकेट, इन क्रिकेट, ठीक। मतलब जो सचिन तेंदुलकर जी हैं वो क्रिकेट में क्या है, एकदम से वो माहिर है उसमें, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। और इस तरीके से ही वाज एक्सपर्ट इन मैथ्स, मतलब वो एक्सपर्ट है किसमें, मैथ्स में। ये चीज दिखाया जाए, उसकी एबिलिटी, उसकी स्किल और उसकी स्पेशलिटी दिखाई जाए, तब आपका इन यूज होगा। देखिए इन यहाँ पर सभी में यूज हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं गलियों के नाम के आगे, किसके, गलियों के नाम के आगे ये यूज होगा। तो हमारा अगला गलियों के नाम के आगे कोई यूज होगा, जैसे कि आपका सीमा लिव्स इन चर्च स्ट्रीट, चर्च स्ट्रीट मतलब वो इस गली में रहती है, इस तरीके की चीजें। तो इतने प्रकार के इन सब के यूजेज आपका होगा, जैसे कि यहाँ पर हम एक बार पूरा समझाना चाहें तो आप समझ सकते हैं, पूरा कंप्लीटली समझिए। चाहे आपका कोई गांव हो, कोई शहर हो, कोई कस्बा हो, कोई भी आपका देश हो, कोई भी आपका महाद्वीप हो, इन सब के पहले आप इनका यूजेज कर सकते हैं। सप्ताह हो, सप्ताह के बाद महीना हो, वर्ष हो, शताब्दी हो, या कोई सीजन हो, सुबह शाम हो, तब आप यूज कर सकते हैं आप इनका। उसके बाद अगर आपका कोई नाउन या प्रोनाउन हो और खुद किसी नाउन अन्य नाउन के अंदर हो तो वो हो जाएगा, या कोई भी चीज पहले से ही पानी में, अगर आप देखें पानी में वो पहले से ही रहे, तब आपका वो हो जाता है इनका यूज। एंड उसके बाद अगर लेंथ ऑफ टाइम बताया जाए कि वो इतने दिन में ऐसा कर रहेगा, इतने दिन के बाद ऐसा, तो इतने दिन में मतलब एक लिमिट दिया जाए टाइम का, वो हो जाता है इनके लिए यूज। उसके बाद फ्यूचर टेंस में के बाद के रूप में, मतलब ऐसा लगे कि उसका अर्थ जब निकले कि इसके बाद, फ्यूचर टेंस में आगे की बात हो, भविष्य की बात हो और के बाद बात हो, तब का आपका यूजेज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे आई विल कम बैक इन 2 आवर्स, मतलब मैं 2 घंटों में वापस आ जाऊंगा, तो ऐसा बोला जा रहा, फ्यूचर की बात हो रही है कि मैं 2 घंटे में मैं वापस आ जाऊंगा, इस तरीके से बोला जा। उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर आर्ट सब्जेक्ट फील्ड, इन आर्ट या सब्जेक्ट या किसी प्रकार की फील्ड में हो, वहाँ पर आपका आपको स्पेशल दिखाया जाए, आपके एबिलिटी के आधार पर, आपके स्किल के आधार पर, आपको जो एकदम हाई पावर मतलब ऊपर रखा जाए, तब आपको यूज होगा इन के रूप में। अब उसमें आप चाहे उसको टॉपर समझें, चाहे उसको आप विद्वान समझें, चाहे उसको मतलब जो ऊपर लेवल में जाए, तब इनके। गलियों के नाम के पहले आप गली जो होती है, कोई गली बताना है तो उसके नाम के पहले यूज कर लेंगे। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है, इस तरीके से आपको यूज करना है, और पूरा का पूरा इन यही आपको यूज करना है, इसके बाद आपका इन का यूजेज नहीं होगा। अगला यूजेज जो होगा वो ऑन का यूजेज कराएंगे, इन के बाद हमारा इन एन टू आएगा, क्या आएगा, इनटू आएगा, तो इनटू को हम यूज करेंगे। और उसके बाद अगर हम जो नेक्स्ट होगा वो हम आन का यूज करेंगे, तो इनटू का हम यूज करेंगे, और एक दो प्रीपोजिशन के साथ इनटू का यूज करेंगे, और उसके बाद विदिन का यूज करेंगे।
तो ये दोनों प्रीपोजिशन एक साथ दोनों में यूज करेंगे बताएंगे वीडियो में, छोटा सा वीडियो है उसको भी देख लेना। पूरी इंग्लिश की एकदम बेसिक क्लास आपके चैनल पर पड़ी हुई है, देख लेना एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन में। और जो मैथ्स में कमजोर हो, मैथ्स की बेसिक प्लेलिस्ट है, इंग्लिश की एकदम बेसिक प्लेलिस्ट है, मतलब किसी के एकदम कमजोर बच्चे जो हैं तो यहाँ पर आप पूरा चैनल पर है वीडियो तैयारी करिए। किसी अदर चैनल पर जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर आपको हार्ड लेवल की तैयारी कराई जाती है, यहाँ पर एकदम बेसिक एकदम इजी तरीके से तैयारी करें। अब आपको प्रैक्टिस इन पर करना है कि आप कोई भी इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाए तो अपने गाँव का यूज कर, कस्बे के, देश का यूज, इन सब का यूज करें कि आई लिव इन ऐसा, आई गोइंग इन यहाँ पर, आई कमिंग यहाँ पर, तो इस तरीके जगह का नाम बताएं या इस तरीके से टाइम का नाम बताएं आप कि आई गेट अप इन द मॉर्निंग, कुछ ऐसे आप यूज करके अपने हिसाब से प्रयोग करिए और उसके बाद प्रैक्टिस करिए। तो अगला वीडियो आपके लिए आएगा, जरूर चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करिएगा, हो सके तो, नहीं तो देखते हैं क्या करते हैं। ओके चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो।